Greetings to you all in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं. We welcome you all for our English Hindi service. इस हिंदी इंग्लिश आराधना में आप सबका हम स्वागत करते हैं. It is a great joy for us to see you once again through this online service. ये बहुत ही अत्यंत खुशी की बात है आप सबको इस ऑनलाइन आराधना में आपसे हम मुलाकात कर रहे हैं. God will speak to you all today through His word powerfully. हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन भी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबसे बात करें. Let's enter the service with a word of prayer. हम लोग जो है आज के आराधना में जाने से पहले हम सब लोग प्रार्थना करेंगे. Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे. Our most gracious heavenly Father. हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर. Thank you for giving the new week and the new month in our life, Father. परमेश्वर हमारे जिंदगी में एक नए महीने के लिए एक नए हफ्ते के लिए हम प्रार्थना करते हैं. You bless your people throughout this month. परमेश्वर ये पूरे महीने जो है आपके लोगों को आप आशीर्वाद दीजिएगा. You fulfill the heart desire and the need of your people, Father. परमेश्वर आपके लोगों के हृदय की इच्छा को आप पूरा कीजिएगा. Specially we pray that Father this month will be a blessing and a very prosperity month to each and every one. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ये जो महीने हैं हर एक लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन के रहें. You speak to each and every one of us today through your word. परमेश्वर हर एक लोगों से आपके वचन के द्वारा आप बात कीजिएगा. Jesus name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. Amen. आमीन. स्वर्ग पिता हम आते हैं.
हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करेंगे। ये जो समय है ये अपने काम में व्यस्त रहने का समय नहीं है, ये परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का समय है। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सब लोग एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने वाले हैं। परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में सब कुछ हमें दिया है। हमारे ज़रूरत के समय में उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए मांग किए हैं, परमेश्वर ने वो पूरा करके दिया है। जब भी हम बीमार थे, जब भी हमारे ज़िंदगी में दुख था, हमने जब परमेश्वर को देख करके मांगा है, परमेश्वर ने आप सबके ज़िंदगी में सब कुछ पूरा करके दिया है। आपके बीमारी के वक्त में परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है। वो सब कुछ सोचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। वो मिट्टी या पत्थर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर हैं, आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसे सोच करके अपने हृदय से हम लोग गीत गाने वाले हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। हम लोग यहाँ वहाँ ना देखते हुए, अपने कामों में व्यस्त ना होते हुए, हम लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, अपने हृदय से करने वाले हैं। जैसे दाऊद राजा कहता है कि मैं दिन में 3 बार में परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ और 7 बार उनकी आराधना करता हूँ। सोचिए, वो एक राजा है, फिर भी अपने जिंदगी में कितने सारे काम होने पर भी, वो व्यस्त रहने पर भी, वो परमेश्वर प्रार्थना करता है, उनकी आराधना करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, चाहे हम काम कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के इस समय में, इस आराधना के वक्त में, उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए उन्होंने जो भी कुछ हमारे जिंदगी में किया है उसको सोच करके हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। सब लोग अपने मुंह को खोल करके जय जय नाम यीशु नाम इस गीत को हम लोग गा करके परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय मुंह को खोल करके परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। इस वक्त में हम लोग जो अपने मुंह को ना बंद करते हुए परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, उनके गीत को हम गाने वाले हैं। और जोर से उसको सोचते हुए हम जय जय नाम यीशु नाम और जोर से बोलेंगे। Bye.
जो भी इस आराधना में भाग लिया है परमेश्वर, उसके जिंदगी की सारी जरूरतों को तू पूरा कर परमेश्वर, उनके जिंदगी के सारे मांग को तू पूरा कर परमेश्वर। जो भी चीज के लिए वो आपके सामने रो रहे हो परमेश्वर, जिस भी चीज के लिए वो मांग कर रहे हो परमेश्वर, जिस भी इच्छा के लिए वो लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जिंदगी में तो सबको पूरा करके देने वाला है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब हम बलवीन थे, जब हम बीमार थे, जब हमें जो है इन लोगों ने हमें धकेल दिया था परमेश्वर, तू था हमारे साथ। उसको सोच करके हम तेरी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम दिन और रात जो है तेरी आराधना करते रहे परमेश्वर। हम काम करें, हम जो है कहीं पर भी अपने कामों में व्यस्त रहे, लेकिन हमेशा हम तेरे बारे में सोचते रहे परमेश्वर। हमारे जो है जीव से, हमारे जो मुंह से जो है आपकी स्तुति आराधना करते रहे परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हर एक को छुआ है, हर एक की जरूरतों को पूरा कर दिया है, उनके मांग को आपने पूरा कर दिया है। जो बीमार थे आपने चंगाई दे दिया है परमेश्वर। हर किसी के मांग को, उनके मांगने से पहले आपने उनकी जरूरतों को पूरा किया है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिएगा परमेश्वर। उनके जिंदगी में जब आप उनके जिंदगी में चले जाते हैं, उनके जिंदगी में एक बदलाव को आप लेके आइएगा परमेश्वर। हर एक लोग के लिए एक गवाही बन के रह सके, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस समय भी, इस आराधना के वक्त भी परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले समय में तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात करना, तेरा जो वचन है हमारे हृदय को बदल सके परमेश्वर। तेरे लिए हम लोग जो है जी उठ सके, तेरे लिए जो हम सेवकाई कर सके परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को तू जो है अपने वचन के द्वारा तू आशीर्वाद देने वाला है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस आराधना को हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम मनन करने से पहले सब लोग अपने आँखों को बंद करेंगे, सिरों को झुका के हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस वक्त के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन भी जो वचन हम मनन करने वाले हैं परमेश्वर, आप हमसे बात कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका जो वचन है वो हमारे हृदय को बदल सके परमेश्वर, उसके अनुसार हम चल सके परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस तरह हिरनियाँ जो है पानी के लिए प्यासी रहती हैं परमेश्वर, हमारा हृदय आपके वचन के लिए प्यासा है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपका जो वचन है वो हमारे प्यास को बुझा सके, हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ावा दे सके, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में आपके वचन के द्वारा हमसे बात कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हम निकाल लेंगे लूका सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 से लेके 8 तक। यहाँ पे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम देख सकते हैं पहला वचन में इस तरह लिखा गया है। यहाँ पे हम देखते हैं जो यीशु मसीह है वो अपने चेलों को एक पैराबल कहता है, एक दृष्टांत कहता है। उसमें इस तरह से वो कहते हैं यीशु मसीह कि हमें जो है नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हमारे प्रार्थना को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला वचन में इस तरह लिखा गया है। जो यीशु मसीह है, जब चेलों को जो है वो सिखा रहे थे, उनको जो है सारे चीज़ों के बारे में बता रहे थे, हम यहाँ पे देख सकते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को जो है प्रार्थना के बारे में बताते वक्त वो पहला वचन में इस तरह कहते हैं कि जो है नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हमेशा जो है हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें ऑलवेज वी हैव टू प्रे एंड वी शुड नेवर गिव अप, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब दृष्टांत वो जब बताते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेलों को जो है इसके बारे में, प्रार्थना के बारे में जब वो सिखाते हैं, तो यहाँ पे जो है एक उदाहरण देते हैं, एक कहानी बताते हैं, एक दृष्टांत बताते हैं, एक पैराबल बताते हैं, जो दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे। दूसरे वचन में इस तरह लिखा गया है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। तो हम यहां पे देख सकते हैं जो न्यायी था, जो जज था, वो ना ही परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी मनुष्य का परवाह करता था। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग ये समझ सकते होंगे कि वो न्यायी था वो किस तरह का हो सकता है। ना ही वो किसी को जो है सच्चे तरीके से किसी प्रकार की न्याय दे सकता था,
और ना ही किसी कोई धर्मी चीज वो कर सकता था, किसी को वो है धर्म के बारे में या उसको कोई भी न्याय के लिए उसके पास कोई भी आता था तो वो न्याय जरूर नहीं देता होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, वो परमेश्वर से डरता नहीं था। वहां पे हम देख सकते हैं कि एक विधवा आती है, हम तीसरे वचन में इस तरह लिखा गया है, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दाई से बचा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो न्यायी था, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, जो मनुष्य का परवाह नहीं करता था, वो कैसे भी मनुष्य हो या कुछ भी उनका कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का भी वो सोल्यूशन नहीं देता था, किसी के बारे में भी वो चिंता नहीं करते था, अपने ज़िंदगी में वो जैसे भी चाहे वैसे वो जिया करता था, वैसे नगर में हम देखते हैं कि एक विधवा रहती थी जिसका कोई समस्या था। वो वहां पे उस न्याय के पास आती है, आकर के कहती है मुझे किसी ना किसी तरीके से जो है तू न्याय दिला। आप लोग सोच सकते हैं जो न्याय यहाँ पे हमने पढ़ा दूसरे वचन में, वो किसी भी मनुष्य का परवाह नहीं करता था, वो कोई भी व्यक्ति उसके पास आए किसी भी प्रकार के न्याय के लिए आए, वो किसी भी चीज को वो सोचता नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वैसे मनुष्य के पास ये जो विधवा थी, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरे वचन में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, वो आ आकर कहा करती थी मेरा न्याय कर। इसका मतलब ये है कि वो एक बार नहीं गई होगी, दो बार नहीं गई होगी, तीन बार नहीं गई होगी, जब भी उसको मौका मिला होगा वो वहाँ पर जा करके वो न्याय के लिए वहाँ पर वो इंतज़ार कर रही होगी। हम चौथे वचन में पढ़ते हैं, कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से ना डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसका मतलब यह है कि वो न्यायी खुद ही वो सोचता है कि मैं ना ही परमेश्वर से डरता हूँ, ना ही किसी मनुष्य का परवाह करता हूँ, लेकिन ये जो स्त्री है, ये जो विधवा है, ये बार बार मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है, ये बार बार अपनी परेशानी के साथ यहाँ पर आती रहती है, ये मुझे बहुत ही चिंता करती है, मुझे बहुत ही चिंता देती है, मुझे परेशान करती है, तो जरूर मैं इसका न्याय कर दूं करके वो न्यायी जो है उस स्त्री का न्याय करता है करके हम यहां पे पढ़ते हुए देखते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें यहां से हमें ये सीख मिलती है, जो व्यक्ति है, जो न्यायी है, जो जज है यहां पे, वो जो है किसी भी मनुष्य का परवाह नहीं करता था, लेकिन जो विधवा थी, जब वो बारंबार जो है वो जब जाया करती थी, वहां पे जाके खड़ा हुआ करती थी, तो उसको जो है ये परेशान था कि कभी ना कभी ये मेरे नाक पर दम कर देगी, इसलिए जो है इसको जरूर न्याय दिलाया जाए। बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, हम पांचवें वचन में पढ़ सकते हैं, लूका अध्याय 18 में पांचवें वचन में इस तरह लिखा गया है, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लिखा है, ये जो न्यायी था वो ये सोच रहा था, ये जो स्त्री है मैं उसको न्याय नहीं करना चाहता, मैं ना ही परमेश्वर से डरता हूँ, ना ही किसी मनुष्य का परवाह करता हूँ, लेकिन मैं जो है वो न्याय ये कहता है कि ये बार बार आकर मुझे परेशान करती है, ये बार बार आकर मुझे चिंता दिलाती है, ये बार बार आकर यहाँ पर खड़ी हो जाती है। जब मैं इसको मनन कर रही थी तो मैं ये सोचने लगी थी, ये जो स्त्री है, ये जो विधवा है, जरूर जो है जब कभी भी न्यायालय खुलता है, जब कभी भी जज आकर बैठते हैं, उससे पहले ही वो वहाँ पर होगी, है कि नहीं, ये बहुत साफ तरीके से हमें पता चल रहा है। इसलिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, जो न्यायी था उसने कभी ये सोचा कि बार बार ये स्त्री आती है, बार बार यहाँ पर आके खड़ी होती है, मेरे नाक में जो है अंत में दम ना कर दे, इसलिए मैं ज़रूर इसका न्याय चुकाऊंगा करके पांचवें वचन में साफ तरीके से लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस दृष्टांत से हमें ये सीख मिलती है, इस पैराबल से हमें ये सीख मिलती है, ये जो व्यक्ति है जो न्याय नहीं करता है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, जो मनुष्य का परवाह नहीं करता है, उस व्यक्ति के पास बार 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 एक विधवा जहाँ पे गई थी, वो व्यक्ति जो है अंत में इतना वो परेशान हो करके उसको उसने न्याय दिलाया था। लेकिन आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को हर रोज सुनता है। हालेलुया।
हमें ये विश्वास रखना चाहिए, हमें ये भरोसा रखना चाहिए जो परमेश्वर हम जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके हम प्रार्थना करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि परमेश्वर मैंने आज के दिन प्रार्थना किया, मुझे आज ही उत्तर दे, मैंने आज प्रार्थना किया। हम हमेशा ये सोचते हैं कि आज हमने प्रार्थना किया तो परमेश्वर जो है सुबह प्रार्थना किया तो शाम तक हमें उत्तर दे दें, या आज हमने प्रार्थना किया तो कल तक हमें उत्तर दे दें। लेकिन यहाँ पे जो है हमें यीशु मसीह इस पैराबल के द्वारा हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। छठवें वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुआई देता रहता है, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। यहाँ पे बहुत साफ तरीके से यीशु मसीह कहते हैं हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अब दिन रात हम उसकी दुआई करते हैं, क्या वो हमारे न्याय नहीं चुकाएगा, क्या वो हमारे प्रार्थना का जो उत्तर नहीं देगा। हमें ये विश्वास करना चाहिए आज के दिन। आज के दिन परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि हम लोग जो हैं प्रार्थना करते वक्त हमें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। जब हम ये विश्वास करेंगे तो जब हम विश्वास के साथ भरोसा के साथ जो है हम प्रार्थना निरंतर करते रहेंगे, ना छोड़ते हुए किसी चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे, ज़रूर हमारा परमेश्वर सुनने वाला है, उस प्रार्थना का वो ज़रूर पूरा करेगा हमारे ज़िंदगी में। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए पहला वचन में बहुत साफ तरीके से यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, कभी भी अपने प्रार्थना को छोड़ना नहीं चाहिए। हम जो है आज के दिन भी लूका सुसमाचार में अध्याय 18 में हम ये सीखते हैं, पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक हम ये सीखते हैं जो परमेश्वर है जिसकी हम दुआई करते हैं, जिसकी दिन रात हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम दिन रात आराधना करते हैं, क्या वो हमारी प्रार्थना के विषय को पूरा नहीं करेगा। हमें आज विश्वास करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि हमने आज ही प्रार्थना की, आज ही उसका उत्तर मिल सकता है, या हमने आज प्रार्थना किया हमें कल उत्तर मिल गया, या हमने एक हफ्ते पहले प्रार्थना किया एक हफ्ते के बाद हमें वो प्रार्थना पूरा हो गया, या एक महीने में पूरा हो सकता है, या एक साल में पूरा हो सकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप कहीं साल से प्रार्थना कर रहे हैं, आप निराश ना होइएगा। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, सही समय में उस प्रार्थना का उत्तर वो ज़रूर देगा। हालेलुया। वो हमें विश्वास करना चाहिए। आज के दिन हमें जो है परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आपको विश्वास के साथ, आपको भरोसा के साथ, कभी ना उस प्रार्थना पर कभी शक करते हुए आप ना कीजिएगा। जब आप विश्वास के साथ, भरोसा के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। चाहे वो एक दिन में हो सकता है, चाहे वो दो दिन में हो सकता है, चाहे एक हफ्ते में हो सकता है, एक महीने में हो सकता है, एक साल में हो सकता है, या 10 साल में हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ आपको और मुझको ये विश्वास करना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप किसी चीज़ के लिए रोते हुए आप ये चाहे तो ये सुसमाचार सुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आज के दिन आपसे बात कर रहे हैं, आप निरंतर प्रार्थना कीजिए। आप किसी भी चीज के बारे में जो है दुखित ना होइए, परमेश्वर आपके एक एक प्रार्थना का सही समय में उत्तर देंगे। आप बहुत जल्दी जो है अपने जिंदगी में गवाही आके सुनाएंगे हमको। आप बस विश्वास के साथ आप प्रार्थना कीजिएगा, हमेशा प्रार्थना कीजिएगा। यहां पे हम देखते हैं एक जो है न्यायी था जो बिल्कुल भी किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन उसने भी उस विधवा का न्याय दे दिया था। लेकिन आपका और हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं है। वो न्याय देने वाला परमेश्वर है, सही समय में उत्तर देने वाला परमेश्वर है, सही समय में हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ आपको विश्वास रखना चाहिए। जब मनुष्य का पुत्र इस संसार में आएगा तो हम में आप में वो विश्वास देखेगा, वो भरोसा देखेगा कि क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सिर्फ हमारे मुंह से हम विश्वास के बारे में बोलते हैं, या जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ करते हैं। आज के दिन से आपको ये सीख मिलती है, जब भी किसी भी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वो पूरा ना हुआ एक या दो दिन में, एक या दो महीने में, एक या दो साल में, आप निराश ना होइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। सिर्फ आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जिसकी हम दिन रात दुआई करते हैं, जिसकी हम दिन रात आराधना करते हैं, वो एक ना एक दिन हमारी प्रार्थना को पूरा करेगा। वो हर रोज हमारी प्रार्थना को सुनता है।
सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि हमारे जिंदगी में विश्वास के साथ प्रार्थना हो, हमारा प्रार्थना सिर्फ मुंह से ना हो। हाँ, एक दिन प्रार्थना कर लिया, अगर जवाब ना मिला तो हमने छोड़ दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रार्थना निरंतर होना चाहिए, भरोसा के साथ होना चाहिए, विश्वास के साथ होना चाहिए। अगर हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे, निरंतर हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर जो है उसको आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। हालेलुया, वो आप विश्वास रखिएगा। हम सब लोग सिरों को झुका करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस वक्त के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने जो बात किया है बहुत साफ तरीके से, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जो है आज के दिन हमें सिखाता है, हमें जो है निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर, आज के दिन जो भी भाई बहन इस मनन को सुन रहे हैं, सुसमाचार को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जिंदगी में अगर वो निरंतर प्रार्थना नहीं कर रहे हो किसी चीज के लिए, वो गिव अप कर रहे हो परमेश्वर, आज के दिन आप उनके विश्वास को और मजबूत कीजिएगा, वो और अच्छे तरीके से प्रार्थना कर सके। हर एक मांग जो है उन्होंने किया है उसको जो है पूरा होते हुए वो देख सके परमेश्वर, गवाही के रूप में आके कलसिया में कह सके, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। हर एक के हृदय में इस वचन को हमने बो दिया है परमेश्वर, जो बोया हुआ वचन है आने वाले दिनों में उसमें हम फल देख सके परमेश्वर। आपके वचन को सिर्फ सुनने वाले ना रह सके, बल्कि उसके अनुसार हम चल सके, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father God, thank you for your word which has come to us in a very crystal clear manner.
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका जो वचन है बहुत साफ तरीके से आया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। We should not be the listeners but we should be the doers of your word, Father. परमेश्वर हम सिर्फ सुनने वाले ना रहे बल्कि उसके अनुसार चलने वाले रहे। Father, when we obey to your word, we get the divine blessing what you have kept in our life. परमेश्वर जब कभी भी हम आपके वचन का आदर करते हैं तब हमारे जिंदगी में हम आशीर्वाद प्राप्त करते जो आपने हमारे लिए रखा हुआ है। Father, we pray that you have blessed each and every one of us in this service. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक लोगों को आपने आशीर्वाद दिया है इस आराधना में। Father, we specially remember for the people those who are sick. परमेश्वर हम उन लोग का याद कर रहे हैं जो लोग बीमार हैं। Father, you heal them and you help them to recover from the sickness. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपको जो आप जो है उनको बीमारी में आप चंगाई दीजिएगा। Especially we remember for the people those who are not having the peace in the heart. परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनके हृदय में शांति ना हो। Father, you give your divine peace to them. परमेश्वर आप जो है अपना शांति और समाधान दीजिएगा। Bless each and every one of us, Father. परमेश्वर हर एक लोग को आप आशीर्वाद दीजिएगा। Jesus name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the sweet communion of the Holy Spirit, the love of God, will rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीर्वाद देंगे।